इस पहाड़ पर है फेमस साइलोपियन वॉल। ये राजगीर का एंट्री गेट। यहाँ से जो आपको नज़ारे देखेंगे ना, सारे खूबसूरत होंगे और सारे ही देखने वाले जगह टूरिस्ट प्लेसेस आपको एक लाइन से दिखते जाएगा। ओह माय गॉड, बहुत सुंदर नज़ारा है। सीट के लिए हल्ला गुल्ला लग गया। बजाओ खा ले, बजाओ। बिहार का पेड़ा भी बहुत ही अच्छा होता है। नदी पार कितना? नदी पार 20 रुपए। तो गाइस अभी फिलहाल हूँ मैं गया में और ऑटो में बैठी हूँ, जा रही हूँ नदी पार यानी कि मानपुर एरिया। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं फल्गु रिवर। फल्गु रिवर में अभी थोड़ी बहुत पानी आई भी है जो कि आपको कैमरे से तो विजुअल नहीं होगी, लेकिन आप अगर सामने होते ना तो आपको जरूर दिखता थोड़ा बहुत पानी है। तो उतर चुकी हूँ यहाँ गौरक्षणी मोड़ मानपुर वाले एरिया में और जा रही हूँ बस स्टैंड। बस स्टैंड जस्ट सीधा वाले एरिया में ही है, यहाँ से आपको वॉक करके जाना होगा। पहले हम लोग यहीं से बसेस पकड़ते थे गया से राजगीर जाने के लिए, बट अभी शायद यहाँ से बसेस नहीं खुल के उस साइड से खुल रही है जहाँ से मैं आई पुल पास से। आ गए हम लोग पुल के पास और यहीं से खुल रही है सारी बसेस जितनी भी जाने वाली है राजगीर, देख सकते हो। बाकी की सारी बसेस यहाँ पे लगी हुई है, गया से नवादा वाली बस है ये। अच्छे और भी कुछ कुछ बसेस दिख रही हैं। लेट्स सी कौन सी वाली लेके जाती है मुझे फतेहपुर। यहाँ से इसी टाइप की बसेस जाती है, मेरी वाली बस को आने में अभी वक्त है। यहीं पे आएगी ना भैया बस? कौन सी वाली बस है राजगीर? ये रही बस, यही वाली बस बिहार सड़क भी जाती है राजगीर होते हुए। ये बस का लुक जिससे कि आज जाने वाली हूँ मैं। आई हैव टेकन फर्स्ट सीट ताकि आराम से सामने बैठ करके नज़ारे दिखा सकूँ आपको रास्ते के। दिस इज द लुक ऑफ बस, ऑलमोस्ट फाइन कंडीशन में है। दोनों साइड दो दो सीट्स हैं, पीछे है 5 सीट्स। पीछे बैठने वालों का बहुत झंझट है यार, मतलब इतना ज़्यादा गाड़ी जंप करता ना, इसलिए मैं कभी पीछे नहीं बैठती हूँ। ऊपर में दिया हुआ है सामान रखने का जगह दोनों साइड लटकने के लिए, यही है। दिस इज ओवरऑल लुक। ऊपर में भी आप बैठ के जा सकते हो अगर ज़्यादा भीड़ है तो। कितने लोग ऊपर बस में बैठ करके गए हुए हैं? मैं बचपन में जा चुकी हूँ ऊपर में भी बैठ कर, ऐसा तो सामान आजकल लोड होता है, बहुत कम ही लोग ऊपर बैठ कर जाते हैं। आ जाएंगे आप राजगीर? हाँ बच्चे, ताजी ताजी सब्जियाँ मिल रही हैं नीचे और भी पैसेंजर सभी चढ़ रहे हैं। टाइम इज 8:58 अप्रॉक्सीमेटली, 9 बजे के करीब में ये बस खुलती है गया से। अभी जिस रोड पे हम लोग हैं ये है गया नवादा रोड जो कि जाता है नवादा। इसी रोड से होकर के आप लोग नवादा जा सकते हो। धीरे धीरे बस भर रही है, बहुत सारी लोकल बसेस में यहाँ पर टीवी भी लगा रहता है बट इसमें नहीं है। अदरवाइज सफर का जो मज़ा है ना वो दुगना हो जाता है। शादी विवाह में ये वाला बैंड बहुत यूज़ किया जाता है बिहार में। रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, इस साइड बन रहा है एलिवेटेड रोड। आई थिंक 2 साल पहले भी जब मैं आई थी तब से बन ही रहा है। राजगीर तक का कितना? 120 लीजिए। ये रहा मेरा राजगीर तक का टिकट, 120 रुपये लगा गया से राजगीर तक का। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सारे में लगे हुए हैं धान के फसल। बहुत ही ज़्यादा दूर में आपको दिखेगा पहाड़ भी।
यही था वो पहाड़ जो काफी दूर से दिख रहा था। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी में ये पे बैठे हैं। ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक्स को रख रख के एक के ऊपर एक पहाड़ बना हुआ है। राजगीर 41 किलोमीटर और ये आ गया वजीरगंज। वजीरगंज का मार्केट है आई गेस। में पहुंचे हैं। गया से 45 मिनट लग गया वजीरगंज पहुंचने में। वजीरगंज थाना। यही है मेन रोड। काफी सही मार्केट है। कचौड़ियाँ मिल रही है वहाँ। सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया ना तो और ज़्यादा भूख लग रही है कचौड़ी देखकर। बड़ी दूर तक मार्केट है भाई, मतलब इतना बड़ा अच्छा मार्केट होगा हम सोचे नहीं थे। बिहार का मार्केट मुझे बहुत पसंद है, मतलब अलग सा ही लगता है। एंड ऑलमोस्टली मतलब छोटा एरिया पे हो ना, फिर भी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि लगभग जितनी आपकी ज़रूरत की चीज़ें ना ऑल टोटल मिल ही जाती है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। ये हमको सबसे अच्छा लगता है। दिस इज द बस स्टैंड ऑफ वजीरगंज। यहाँ पर रुकी है हमारी गाड़ी। कोलकाता वगैरह जाने के लिए भी यहाँ से बसेस मिलती हैं। मुझे लगा था छोटा एरिया होगा, बट आई थिंक बड़ा एरिया है यार वजीरगंज। एक पपीता, पपीता खाइए। हमने लिया है पपीता 10 का। भैया पैसे निकाल लीजिए। क्या रांची से? रांची ज्योति जायसवाल सर्च कीजिए। पीर का तिनका मिला है इसको खाने के लिए। यही हमारा है टूथपिक। बहुत टेस्टी यार। बिहार में पपीता नहीं खाया तो फिर क्या खाया? बहुत मीठे पपीते मिलते हैं यहाँ पर। बस हो चाहे ट्रेन हो, पपीता पिकते हुए आपको फॉर श्योर मिलेगा। अभी रुके हुए हैं यहाँ रेलवे क्रॉसिंग के पास। फाटक बंद है। चौतीस हो रहा है, हिसुआ पहुंच चुके हैं हम लोग। उबले हुए सिंघारे मिल रहे हैं। ये है
किचन रोड का मार्केट। बिहार का ही फेमस चना जोड़ गरम। देखिए भैया 10 रुपए पीस दे दीजिए अंकल। लिएगा सीधा साइज ऑफ पेड़ा। बिहार का पेड़ा भी बहुत ही अच्छा होता है। यम्मी पूरा खोआ वाला पेड़ा है। मुझे ट्रैवलिंग में खाते खाते जाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं खाते पीते चलती हूँ। एक ये भैया को मैंने लाने को बोला था पाइन एप्पल, सो हेयर 10 रुपए का। इधर पता नहीं कौन सी लकड़ी मिली है, ऐसा छेद किया कि इधर तक छेद हो गया। टेन 44 हो चुका है, गाड़ी हमारी खुल चुकी है वापस से। हिसुआ से होते हुए हम लोग राजगीर जाएंगे। मैं नवादा होकर गई थी राजगीर, इस बार हिसुआ से ही कट मार के राजगीर। ये वाला जो रोड है ये राजगीर रोड है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं नारदीगंज। देख रहे हैं जो कि ऊपर लंबा तक जा रहा है, ये है साइलोपियन वॉल। दिस वन यहाँ से जो आपको नज़ारे देखेंगे ना सारे खूबसूरत होंगे और सारे ही देखने वाले जगह टूरिस्ट प्लेसेस आपको एक लाइन से दिखने जाएगा। देखेगा श्री कृष्ण के रथ चक्र का निशान। उदयगिरी पर्वत जाने का रास्ता, जय प्रकाश उद्यान। घर है सूर्य कुंड। पहुंच गए फाइनली राजगीर। यही है राजगीर का बस स्टैंड। अगर आप राजगीर जब भी आओगे तो यहीं पे आपको उतरना होगा। टाइम हो रहा है 11:29। टोटल 2.5 घंटे लग गए हम लोग को राजगीर पहुंचने में। वैसे आप लोग ट्रेन के द्वारा भी राजगीर आ सकते हैं। ट्रेन जर्नी अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल पर नए आए तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। अभी आगे और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली है राजगीर की, तो उसके लिए हो जाइए स्टे ट्यून्ड और सबके साथ ये वीडियो को भी शेयर कीजिए।